विदिशा के पठारे में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा को नागरिकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिसके चलते ऊर्जावान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में केस बनाए जा रहे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निशांत जैन ने देवदा से पठारी आ रही भारत जोड़ो उप यात्रा में कही। वहीं यात्रा के जिला प्रभारी राकेश कटारे ने भी संबोधित किया। यात्रा में देवदा से पठारी तक भारत जोड़ो उप यात्रा का नागरिकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत और भारी समर्थन मिला। इस दौरान राकेश कटारे, निशंक जैन, बहादुर सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस परिवार के सभी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कौन सा मुद्दा नहीं, वही बात बार बार, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हाल ही में पठारी के क्षेत्र के किसान भाइयों से पूछे, खाद जैसी परेशानी किसान भाइयों को जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चाहे किसी भी विभाग में चले जाए, वहाँ आपको वो संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, और भी तमाम व्यापारी वर्ग परेशान है, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दों की तो लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस सारे मुद्दों के मैदान में आ चुकी है, आएगी नहीं, और कांग्रेस का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 2023 में माननीय सर, भारत जोड़ो यात्रा देश के कोने कोने में निकाली जा रही है, आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आज़ाद भारत के बाद देश की और प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने देश में नफरत का और घृणा का वातावरण कर दिया है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज अधिकतम महंगाई है, अधिकतम बेरोजगारी है, इन सब को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली और कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में उप यात्राएँ निकल रही हैं। और उत्साह आप लोगों ने भी देखा, पूरे तेवंदा से और पठारी तक 22 किलोमीटर के रास्ते में कितना ज़बरदस्त उत्साह है। गांव के गांव सड़क पर खड़े होकर यात्रियों का सभी तरह से सम्मान कर रहे थे। इससे लगता है कि अब आम आदमी महंगाई की चाहता है कि महंगाई से मुक्ति हो, बेरोजगारी से मुक्ति हो, किसान अपनी उपज का मूल्य चाहता है। इन्हीं सब बातों के लेकर आज भारत यात्रा उप यात्रा तेवंदा से पठारी के बीच निकाली गई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से क्या दोबारा संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को? संजीवनी की जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जोड़ो पदयात्रा के माध्यम से। कोई व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे सभी बेरोजगारों की, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बुकल बजा रहे हैं, बेरोजगारों की, किसान भाइयों की, भ्रष्टाचार की, इन तमाम बातों को लेकर देश हित की लड़ाई है। और संजीवनी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में भारत में सरकार बनाएगी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आगामी विधानसभा में कांग्रेस के पास क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? आप बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात जहाँ तक करें, कौन सा मुद्दा नहीं है, वही बात बार बार, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हाल ही में पठारी के क्षेत्र के किसान भाइयों से पूछें, खाद जैसी परेशानी किसान भाइयों को जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चाहे किसी भी विभाग में चले जाएं, वहाँ आपको वो संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, और भी तमाम व्यापारी वर्ग परेशान है, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी तमाम बातें। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दों की तो लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस सारे मुद्दों को लेकर मैदान में आ चुकी है, आएगी नहीं, कांग्रेस का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आजाद भारत के बाद देश की और प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने देश में नफरत का और घृणा का वातावरण कर दिया। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज अधिकतम महंगाई है, अधिकतम बेरोजगारी है, इन सब को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली और कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं निकल रही है। और उत्साह आप लोगों ने भी देखा, पूरे तेवंदा से और पठारी तक 22 किलोमीटर के रास्ते में कितना ज़बरदस्त उत्साह है। गांव के गांव सड़क पर खड़े होकर यात्रियों का सभी तरह से सम्मान कर रहे थे। इससे लगता है कि अब आम आदमी महंगाई की चाहता है कि महंगाई से मुक्ति हो, बेरोजगारी से मुक्ति हो,
किसान अपनी उपज का मूल्य चाहता है, इन्हीं सब बातों के लेकर आज भारत यात्रा उप यात्रा देवदास पठारी के बीच निकाली गई। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से क्या दोबारा संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को? संजीवनी की जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जोड़ो पदयात्रा के माध्यम से। कोई व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे सभी बेरोजगारों की, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक गुगल बजा रहे हैं, बेरोजगारों की, किसान भाइयों की, भ्रष्टाचार की, इन तमाम बातों को लेकर देश हित की लड़ाई है। और संजीवनी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में भारत में सरकार बनाई। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आगामी विधानसभा में कांग्रेस के पास क्या रणनीति? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भिकनगांव नगर परिषद प्रांगण में सुबह 11 बजे नगर परिषद CMO मोहन सिंह अलावा ने नगर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह जायसवाल को नगर परिषद अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई, जिसके पश्चात 6 पार्षदों को शपथ दिलाई। पार्षद श्याम सिरसाठे, हरीश गंगराड़े, श्रीमती परिणीति ललित लहरी, श्रीमती सुमन शिवराम भालसे, अमजद खान, रितु महेश वर्मा, इन पार्षदों ने पार्षद पद की शपथ ग्रहण की। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा पार्षदों ने दूरी बनाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा समर्थित एक भी पार्षद नहीं पहुंचे। इसी प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह कुछ महीने पहले ही जनपद अध्यक्ष चुनाव में भी यही प्रक्रिया रही थी, जिसमें जनपद अध्यक्ष के लिए शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उसके ठीक कुछ समय बाद फिर जनपद उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। दोनों ने अलग अलग शपथ ग्रहण की थी। अब भाजपा के पार्षद अपनी शपथ ग्रहण कब करेंगे? भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। शपथ, संविधान की शपथ लेती हूँ कि नगर परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करूंगी। नगर विकास एवं नगर हित में सदैव तत्पर रहूंगी। अपना अपना नाम उच्चारण करना है आपको। मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि नगर परिषद पार्षद के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करूंगी। नगर विकास एवं नगर हित में सदैव तत्पर रहूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।